हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा टेक्नोलॉजी। मैं हितेश वधवा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉलम एंड बार चार्ट के बारे में। तो देखिए, कॉलम एंड बार चार्ट क्या होता है और हम इसका कैसे यूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में। वहां जाने के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो चार्ट में है। किस चार्ट के बारे में? कॉलम एंड बार चार्ट के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है, यूज दिस चार्ट टाइप टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस ए फ्यू कैटेगरीज। आप कोई भी अपना चार्ट का टाइप यूज करके अपनी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम जो भी कैटेगरी में उसे कन्वर्ट करेंगे, और आप उसका प्रीव्यू अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। तो देखिए, हम जब भी चार्ट के ऊपर जाएंगे, जाने के बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट होंगे। 2D कॉलम्स, 3D कॉलम्स, 2D बार, 3D बार। आप इसे कैसे यूज करेंगे और इसका यूज करने के बाद आप इसमें क्या क्या चेंज और एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने जो भी डेटा क्रिएट किया उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कॉलम एंड बार चार्ट में। वहां जाने के बाद आप जिस पर भी क्लिक करेंगे आपका प्रीव्यू आपको साथ की साथ शो होता रहेगा। तो इस टाइप से आप उनका प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप 3D का देखना चाहें तो आप 3D का देख सकते हैं। अगर आप 2D बार का देखना चाहें तो 2D बार पे क्लिक करके 2D बार का प्रीव्यू देख सकते हैं। ऐसे ही करके अगर आपको 3D बार का देखना है तो आप जैसे ही 3D बार पर क्लिक करेंगे वैसे वैसे आपके प्रीव्यू आपको चेंज होकर दिखाई देते रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि हम कॉलम को किस टाइप से यूज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्लस्टर्ड कॉलम पे क्लिक किया और अपने पास एक प्रीव्यू उसका शो हो गया। अब हम बात करेंगे कि इस प्रीव्यू को हम कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप जैसे ही अपना क्लिक करेंगे आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, जिस एरिया पर भी आप इसे रखना चाहें। अब हम जैसे कि यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हमें हर चीज क्लियरली शो होती रहे। तो देखिए, जैसे ही आप इसे रखेंगे वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, हमारे लीजेंड, और इसे हम बोलते हैं वाई और इसको हम बोलते हैं एक्स। तो देखिए, जो हम जिस पर वर्किंग कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, चार्ट एरिया। आप यहाँ पर चार्ट का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चार्ट का टाइटल देना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर आने के बाद अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम मेंशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर लिखा कॉलम चार्ट, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चार्ट के अंदर हमें क्या क्या मेंशन हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर कॉलम है वो मोनिका, ममता, सारिका, सुनीता, शीतल, यानी उन नेम्स का है। अगर आप देखना चाहो आपके बाकी कॉलम्स का है तो आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहो तो आपके पास डिटेल ये टेबल में इस प्रकार से दी गई है। आपकी यहाँ जो भी वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रिजल्ट आपको शो होता रहेगा। अगर आप यहाँ जब भी वैल्यू को चेंज करोगे आप यहाँ पर उनका प्रीव्यू देख सकते हैं, या प्री डिफाइंड पर भी इसका वर्क कर सकते हैं। जैसी वैल्यू होगी वैसी आपको आउटपुट शो हो जाएगी। अगर आप किसी भी सेल की वैल्यू को खुद से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से खुद से चेंज कर सकते हैं। आउटपुट आपकी वही होगी जो आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिजल्ट शो होता रहेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किया 70, यहाँ पर किया 47, यहाँ पर है हमारा 80, तो आप देख सकते हो जैसे ही आपकी वैल्यू है वैसे आपका आंसर आपको शो होता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी मोर डिटेल्स हैं चार्ट से रिलेटेड वो आपको शो हो जाएंगे। जैसे ही आप प्लस के आइकन पर शो करोगे आपके पास चार्ट के एलिमेंट आपके शो हो जाएंगे, और उसमें सबसे पहले आप एक्सियस, एक्सिस टाइटल जो भी देना चाहो तो आप यहां से दे सकते हो। देखिए, आप एक्सिस का टाइटल, ये वर्टिकल है, यानी आप वाई में जो भी वर्टिकल में यहां पर चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो। हमने यहां पर लिखा वैल्यू। अगर आप कुछ भी और चेंज करना चाहो तो यहां पर आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर हम बाकी डिटेल्स में बात करें ऑप्शंस की, तो आप देख सकते हैं चार्ट में आप अपनी वैल्यू को रिमूव और ऐड भी कर सकते हैं। अब आप चार्ट का टाइटल देख रहे हैं कि जिसपे हमने लिखा हुआ कॉलम चार्ट, आप नहीं रखना चाहते अनटिक रखिए, आप रखना चाहते हैं उस पर टिक रखिए। ऐसे ही आप डाटा की लेबल्स, डाटा टेबल, डाटा के अंदर ही आपको शो होती रहेगी एरर बार, ग्रिड लाइंस, लीजेंड, आप इस टाइप से इनका यूज कर सकते हो। अगर आप ये लीजेंड यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ आप नहीं देखना चाहते तो अपने लीजेंड को यहाँ से आप हटा देंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर आप रखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक रखिए, आपको वो जैसे वो पहले थे उस टाइप से आपको वो दिखाई देते रहेंगे। अब देखिए, हम लीजेंड का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं कि आपको वो कौन से एरिया में चाहिए।
अब आप बात करोगे कि आपको एक्सेस टाइटल नहीं रखना, तो आप एक्सेस टाइटल हटा सकते हो, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करो तो आप जैसे ही एक्टिव करोगे आपके पास ट्रेंड लाइन की सीरीज आ जाएगी, जिस कॉलम को भी आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका प्रीव्यू दिखाई देगा। देखिए जैसे कि हमारे इंग्लिश कॉलम में जो भी वैल्यू जिस हिसाब से है आपको उसकी सीरीज ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपको शो हो रही है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप अनटिक करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ट में क्या आप स्टाइल्स वगैरह कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है ये है स्टाइल और कलर के बारे में। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स दिए गए हैं, जो स्टाइल आपको पसंद आए आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई और चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, कलर पर जाएंगे, जो भी कलर आपको पसंद आए जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे आपका वो कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास क्या आता है फिल्टर, तो देखिए आपको कैसे पता लगेगा नेक्स्ट हमारा फिल्टर है। जैसे ही आप इस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा चार्ट के फिल्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फिल्टर का ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। आप जिस नेम को यहाँ से हटाना चाहो वो हटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमें ये मोनिका जो सेल में नेम है हमारे हमें नहीं रखना, तो आप क्या करेंगे जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपका वो नेम यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आप लाना चाहो वापिस तो आप फिल्टर में जाने के बाद उस नेम पर अप्लाई दोबारा से क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपका अप्लाई आपको शो हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि इनके अलावा भी चार्ट के और ऑप्शंस होते हैं, तो देखिए जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करते हैं आपके पास चार्ट के टूल्स यानी डिज़ाइन और फॉर्मेट के टैब ओपन होते हैं। आप इन दोनों में जाकर मोर एडिटिंग करके देख सकते हैं। अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो देखिए आप डिज़ाइन को किस टाइप से चेंज करेंगे। अगर आप चार्ट के एलिमेंट को चेंज करना चाहें या इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ प्लस के साइन से बात किया था, एक्सियस एक्सियस टाइटल डाटा लेबल्स जो भी आप वहाँ पर बात कर रहे थे आप यहाँ से भी उसे चेंज करके देख सकते हैं। अगर आप लेआउट को चेंज करना चाहो तो क्या करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी लेआउट जो भी आपको चाहिए वैसे आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर आपको सेम वही कलर वहां से ना चेंज करना हो तो आप यहां टैब के अकॉर्डिंग भी चेंज करके देख सकते हैं। सेम वही बात आप यहां से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। एक हम वो ऑप्शन चार्ट के मोर ऑप्शन में जाकर बात कर रहे थे और यही आपको एक डिज़ाइन टैब के अंदर भी सेम ऑप्शन शो होंगे। इतना ही नहीं आप क्या कर सकते हैं, अपने जो कॉलम है देखिए जैसे कि मोनिका ममता सारिका सुनीता शीतल, अब ये कॉलम वाइज है। अगर आप इसे रो में स्विच करना चाहते हो तो आप इसे रो के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर रो के अकॉर्डिंग देखने में आप देख सकते हो मोनिका ममता सारिका सुनीता अभी आपको रो वाइज शो हो रहे हैं, पहले हमें ये क्या थे कॉलम वाइज इनका डाटा आपके सामने था। अगर आप इसे वापस कॉलम वाइज रखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो आपका जो आंसर है आपकी जो प्रीव्यू है वो आपके कॉलम के अकॉर्डिंग है। अगर आप अपने डाटा को सिलेक्ट करना चाहो उसमें कुछ भी चेंज करना चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें ऐड एडिट रिमूव कुछ भी चेंज कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल वही हम बात करें कि हमें जैसे कि ममता नेम को यहाँ से नहीं रखना, तो आप जैसे ही ओके करोगे आप यहाँ से देख सकते हो मोनिका के बाद हमारा जो ममता था नेम वो यहाँ से आपका हाइड हो चुका है। अगर आप लाना चाहो तो आप सेलेक्ट डाटा से भी ला सकते हो। अगर आप फिल्टर से लाना चाहो तो फिल्टर में जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे सेम वही प्रोसेसिंग, आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, यहाँ से भी आ जाएगा और आप उसे वहाँ से भी ला सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चार्ट का टाइप चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, चेंज चार्ट टाइप कर जाएंगे और जाने के बाद आपको इसके अलावा कोई और चाहिए तो आप यहां से जैसे ही क्लिक करोगे वो चीज़ आपकी यहां से एक्टिव हो जाएगी और आप उसका प्रीव्यू अपनी वर्किंग में देख सकते हैं। इतना ही नहीं अगर आप अपने चार्ट को मूव करना चाहो, आपने कहा हमें इस शीट पर नहीं चाहिए हमें नेक्स्ट शीट पर चाहिए, तो देखिए मूव चार्ट में जाएंगे, जिस चार्ट को आप मूव करना चाहो उस चार्ट को हमने कहा फिलहाल जो हमारा चार्ट है वो कॉलम एंड बार शीट पर है, अगर आपको ये दूसरी शीट पर लाना है शीट टू पर, तो जैसे ही आप ओके करोगे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। अब पहले हम बात कर रहे थे कॉलम एंड बार चार्ट के बारे में, उस शीट पर थे, अब देखिए यहाँ से आपका वो प्रीव्यू था वो शो नहीं हो रहा है, वो कहाँ चला गया, शीट टू पर, जो हमारा चार्ट था वही सेम टू सेम। अगर आप चाहते हो इस चार्ट को वापस उसी शीट पर लेके जाना है तो आप मूव चार्ट करेंगे और यहाँ जाने के बाद सेम अपने ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे कौन सी शीट पर दिखाना है, जैसे ही आप ओके करोगे वैसे आपका प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट में क्या होता है आप अपने टेक्स्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हो। इतना ही नहीं आप कलर के साथ साथ आप चाहते हो शेप में कुछ अलग फिल करना है तो आप शेप में जो भी फिल करना चाहो वो चीज़ें यहाँ से फिल कर सकते हो, यानी अपने चार्ट को जितना आप अट्रैक्टिव बनाना चाहो उतना अट्रैक्टिव बना सकते हो। इतना ही नहीं आप शेप के इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हो।
आपने कहा हमें शेडो देनी है, तो जितना आप इसमें एडिटिंग करना चाहो उतनी आप एडिटिंग कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप अगर चाहो कि हमें 3D भी रोटेट करना है अपने चार्ट को, तो आप अपने चार्ट की पोजीशन को 3D में भी रोटेट करके देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि अपने चार्ट को क्या हम शॉर्टकट से ले सकते हैं, तो देखिए हमने यहाँ से क्या किया, हमारे बने हुए चार्ट को अगर आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो ये कंप्लीट आपका डिलीट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं हमें शॉर्टकट से करना है, तो आप क्या करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपने डेटा को सिलेक्ट करोगे, आपने क्या करना है, Alt F1 प्रेस करना है। जैसे ही आपने Alt F1 प्रेस किया, आपका प्रीव्यू आपके सामने शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये टोटली आपकी न्यू वर्किंग है, जिस टाइप से आप नए तरीके से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट शीट पर बनाना चाहो तो आप नेक्स्ट शीट पर भी बना सकते हो कोई भी अपना डेटा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, अपने डेटा को यहाँ से कॉपी किया और हम चाहते हैं शीट 2 पर हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। कहीं पर भी आप क्लिक करिए, जैसे ही आप कंट्रोल भी करोगे वैसे आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको ये ऑटो फिट करना है तो आप यहाँ से डबल टच करके ऑटो फिट कर सकते हो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे वैसे आप यहाँ से अपना आंसर देख सकते हो, उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा जिस अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना है। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपने क्या किया, अपने डेटा को सिलेक्ट किया और Alt F1 प्रेस किया, यहाँ से प्रीव्यू शो हो जाएगा और आप जहाँ पर भी इसे रखना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को अपनी नोटिफिकेशन में लाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।